जब भी किसी फ्लावर को हम डिस्क्राइब करते हैं तो सबसे पहले सबसे बाहर से शुरुआत करते हैं। ये कंप्लीट फ्लावर है अपने आप में और इस फ्लावर को सपोर्ट करती है ये नीचे इसकी डंडी। डंडी को हम पेडिसिल कहते हैं, जो प्रॉपर फ्लावर का पार्ट नहीं है। जो प्रॉपर फ्लावर होता है उसके चार पार्ट होते हैं और उसमें सबसे बाहर वाला जो पार्ट है ये वाला, इसके बाहर भी एक पार्ट है, इसके बारे में हम लास्ट में आपको बताएंगे। फिलहाल ये गुड़हल का प्लांट है जिसको हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस कहते हैं। और ये इसमें सबसे बाहर आप देखेंगे ये जो ग्रीन कलर का अपेंडेज है, इसको हम कहते हैं सेपल, और सिंगल यूनिट को हम सेपल कहते हैं। जब सबको एक साथ हम मिला देते हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ से ये घिरा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं कैलिक्स। और कैलिक्स के बाद ये सबसे आउटर और सबसे पहली वर्ल हुई, और उसके बाद फिर आपको ये कलरफुल अपेंडेज मिलेगा। हर फ्लावर में आपको सबसे प्रोमिनेंट पार्ट ये दिखता हुआ नज़र आएगा। ये सेकेंड वर्ल है, बाहर से सेकेंड लेयर है, और इसको हम कहते हैं सिंगल यूनिट को पेटल। और कंप्लीट यूनिट को जब एक साथ हम स्टडी करते हैं तब इसको हम कहते हैं कोरोला। और इसके बाद जो तीसरा वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है, यहाँ पे आप छोटे छोटे फिलामेंट्स देख सकते हैं, छोटे छोटे चप्पू लाइक या पतवार लाइक स्ट्रक्चर हैं, इनको हम कहते हैं स्टेमेंस। और ये सारे स्टेमेंस एक साथ मिल करके जो सिंगल यूनिट बनती है उसको हम कहते हैं एंड्रोशियम। ये मेल पार्ट होता है, किसी भी फ्लावर में, किसी भी बाईसेक्सुअल फ्लावर में आपको मेल और फीमेल पार्ट मिलेंगे। ये बाहर की तरफ से जो तीसरा वाला वर्ल है ये एंड्रोशियम, ये मेल पार्ट होता है। और इसके नीचे यहाँ पे बेस में आपको एक डोम शेप ओवरी मिलेगी, और ये ओवरी ऊपर एक डंडी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है जिसको हम कहते हैं स्टाइल। और स्टाइल आ करके बिल्कुल चपटा हो जाता है, यहाँ पे पांच पार्ट में डिवाइड हो गया है। किसी किसी में सिंगल पार्ट में होता है, किसी में दो या तीन पार्ट में डिवाइड कर जाता है। तो कम्प्लीट यूनिट को ये स्टिग्मा, और ये बीच में इसकी डंडी है स्टाइल, और यहाँ पे इसके बेस में सबसे अंदर है इसके ओवरी, सबको मिला करके हम गायनोशियम कहते हैं। गायनोशियम किसी भी फ्लावर का, बाईसेक्सुअल फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। तो बाहर से हम शुरू करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे कैलिक्स, उसके बाद कोरोला, फिर उसके बाद हमें मिलेगा एंड्रोशियम, और लास्ट में हमें मिलेगा गायनोशियम। तो इस तरह से किसी भी फ्लावर में आप देखेंगे एटलीस्ट आपको चार पार्ट नज़र आएगा। ये जो बाहर वाला कैलिक्स है और ये जो कोरोला है, ये एसेसरी वर्ल कहलाते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन में इनका डायरेक्ट कोई रोल नहीं होता। और ये जो मेल पार्ट है एंड्रोशियम और ये जो फीमेल पार्ट है गायनोशियम, इनको एसेंशियल वर्ल कहते हैं। एसेंशियल वर्ल इसलिए कहते हैं क्योंकि रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्हीं दोनों वर्ल का, इन्हीं दोनों अपेंडेजेस का काम होता है। अब चलते हैं एक एक करके इस हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस या गुड़हल में जो फ्लावर है इसके एक एक पार्ट को हम डिटेल में इसके अरेंजमेंट को डिस्क्राइब करते हैं और समझते हैं। और ये पेंटामिरस फ्लावर है, इसमें पांच सेपल होंगे, कभी कभी वेरिएशन होता है तो पांच से ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो अब ये जो सेपल है, यहाँ बेस इसकी शुरुआत हुई है और आ करके यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो ऊपर की तरफ तो ये ओपन है, लेकिन ये जो बेस है इसका, बेस आप देखेंगे पूरी तरह से फ्यूज़ है। तो जब भी सेपल इस तरह से फ्यूज़ होते हैं, या कैलिक्स आप कहें, बिल्कुल ये बेस पे जुड़ा हुआ होता है, एक बेल शेप स्ट्रक्चर बनाता है, तो जुड़ने को हम इस्तेमाल करते हैं गैमो। और ये सेपल है तो जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको कहेंगे गैमो सेपेलस। और ठीक इसी तरह से पेटल में आप देखिए, पेटल यहाँ बिल्कुल बेस से फ्री है, जहाँ से इसकी ओरिजिन हुई है वहाँ से ये फ्री है। तो जब फ्री होता है तो हम उसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं पॉली। अब ये पेटल है इसलिए इसको हम कहेंगे पॉली पेटेलस, अगर ये फ्यूज्ड होता तो इसको हम गैमो पेटेलस कहते, और ये जो सेपल है, सेपल अगर फ्री होता तो हम इसको पॉली सेपेलस कहते। तो फिलहाल इस गुड़हल के फ्लावर में ये जो सेपल्स हैं वो फ्यूज्ड हैं, इसीलिए गैमो सेपेलस हुआ, और ये जो पेटल्स हैं वो फ्री हैं, बिल्कुल आप बेस तक देख सकते हैं डिसेक्टेड है, जब ये फ्री है इसीलिए इसको हम पॉली पेटेलस कह रहे हैं। ये जो बाहर वाला एक अपेंडेज है ये थोड़ा सा स्पेशल है, और ये जो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है ये मालवेसी फैमिली को बिलोंग करता है, और मालवेसी फैमिली में ये जो कैलिक्स है, कैलिक्स के बाहर एक कैलिक्स के जैसा ही अपेंडेज है। इसमें फिलहाल छः या सात हैं, होना पाँच चाहिए बट वेरिएशंस होते हैं। तो ये कैलिक्स के बाहर कैलिक्स के ही जैसा एक अपेंडेज है, इसलिए इसको एपी कैलिक्स कहते हैं। एपी का मतलब ऊपर, कैलिक्स के ऊपर या कैलिक्स के बाहर, ये हो गया आपका एपी कैलिक्स। ये थोड़ा सा स्पेशल है और मालवेसी फैमिली में ही आपको मिलेगा। अब आइए ये जो कैलिक्स और कोरोला है इनके जुड़ाव को हम समझ लेते हैं। ये आप गिन सकते हैं, ये मैच्योर फ्लावर है, और मैच्योर फ्लावर के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे ऊपर वाले गिर गए हैं, इसमें कैलिक्स बचा है, और यहाँ पर बेस में इसके डोम शेप्ड ओवरी बची हुई है, या यूँ कहें कि अगर इसमें पॉलिनेशन हो गया होगा तो ये फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। तो फिलहाल एक, दो, तीन, चार और ये पाँच, पाँच इसमें सेपल हैं, और इनके आपस में एक दूसरे से जुड़ने को हम कहते हैं एस्टिवेशन। तो फिलहाल इसमें आप देखिए, एक सेपल का एंड दूसरे सेपल के एंड से प्रॉपरली इसमें जुड़ा हुआ है, किसी तरह का कोई इसमें ट्विस्टिंग नहीं है, कोई इसमें फोल्ड नहीं है, इसीलिए हम इसको कहेंगे वेलवेट। अगर इस तरह से जुड़ा हुआ है तो इसको वेलवेट एस्टिवेशन कहते हैं। यही अगर हम इस केस में देखें
जो कि पेटल में अरेंजमेंट है। तो पेटल में एक पेटल का एक हिस्सा दूसरे वाले पेटल को दबाया हुआ है और इसका दूसरा वाला हिस्सा अगले पेटल को दबाया है और ये वाला पेटल अगले वाले पेटल को दबा करके रखा है। और इसमें हम कंप्लीट एक साथ अगर फ्लावर को देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये ट्विस्ट है। ट्विस्ट का मतलब ये ऐंठा हुआ है। सारे पेटल्स को आप देख सकते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट को, एस्टिवेशन को हम ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहते हैं। तो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में जो पेटल का अरेंजमेंट है वो ट्विस्टेड होता है। अब आइए इसके मेल पार्ट या एंड्रोशियम को हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। मैं इस फ्लावर को तोड़ ले रहा हूँ और तोड़ने के बाद ये जो ऊपर इसमें आप छोटे छोटे फ्लैट स्ट्रक्चर देख सकते हैं, पतवार के जैसे या चप्पू के जैसे स्ट्रक्चर, ये सारे के सारे लोब्स हैं जिनको हम एंथर लोब कहते हैं। और ये जो एंथर लोब्स हैं, ये एंथर लोब इस फिलामेंट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, बिल्कुल बेस तक यहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन ये जितने भी फिलामेंट्स हैं या जितने भी स्टेमन आप कह सकते हैं कंप्लीट यूनिट को, क्योंकि फिलामेंट है, फिलामेंट इस एंथर लोब से जहाँ पे कनेक्टेड होता है उसको कनेक्टिव कहते हैं और पूरे को मिलाकर के स्टेमन कहते हैं। तो इसमें ढेर सारे स्टेमन हैं। अगर ये स्टेमन 1, 2, 3, 4, 5 होते या 10 तक होते तो हम इनको इनके नंबर से डिस्क्राइब करते। फिलहाल आप देख सकते हैं 10 से ज़्यादा हैं या ढेर सारे हैं, तो इसको हम सिंपली इनडेफिनिट नंबर कह करके डिस्क्राइब करते हैं। और ये सारे के सारे स्टेमन्स आप देखेंगे इकट्ठा यहाँ से एक स्टेमिनल ट्यूब बनाते हैं और इसी स्टेमिनल ट्यूब पे सारे जुड़े हुए होते हैं। और ये जो स्टेमिनल ट्यूब है स्टेमन्स को प्रोड्यूस कर रहा है। अब इस फ्लावर को चीरने के बाद आप यहाँ बॉटम में देखेंगे, यहाँ पे बल्बस या डोम शेप्ड ओवरी है और ये ओवरी ऊपर की तरफ एक डंडी में कन्वर्ट हो जा रही है या एक डंडी इससे निकल रही है। ये है स्टिग्मा। फिलहाल स्टिग्मा को हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, तो स्टिग्मा को हम अलग कर दे रहे हैं। स्टिग्मा गाइनोशियम का पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन का। तो इसको हम यहाँ पे किनारे कर देंगे और यहाँ बिल्कुल सेंटर तक चले जाएंगे और यहाँ से इसको हम चीरेंगे तो पता चलेगा कि ये जो स्टेमन है ये बेस से ना निकल के ये जो फ्लावर का पेटल है इस पेटल के ऊपर से, यहाँ पे आप देखें इस फ्लावर के पेटल से लगा हुआ है, पेटल के ऊपर से ये निकला हुआ है। तो जब भी स्टेमेंस या एंड्रोशियम इस पेटल के ऊपर से निकले हुए होते हैं इस कंडीशन को हम कहते हैं एपी पेटेलस। एपी का मतलब ऊपर, पेटल के ऊपर, तो ये हो गया एपी पेटेलस। और ये सारे के सारे स्टेमेंस मैंने आपको बताया कि ये एक साथ जुड़ गए हैं और स्टेमिनल ट्यूब बना रहे हैं जो कि ऊपर चल के अलग अलग इसमें छोटे छोटे स्टेमेंस को प्रोड्यूस कर रहा है। अब इस फ्लावर को चीरने के बाद आप यहाँ बॉटम में देखेंगे, यहाँ पे बल्बस या डोम शेप्ड ओवरी है और ये ओवरी ऊपर की तरफ एक डंडी में कन्वर्ट हो जा रही है या एक डंडी इससे निकल रही है। इस डंडी को हम कहते हैं स्टाइल और ये स्टाइल ऊपर चल कर के स्टिग्मा बनाती है। ये स्टिग्मा चपटा होता है और यहाँ पे फिलहाल ये 5 पार्ट में डिवाइड है। और ये जो मालवेसी फैमिली है इसका कैरेक्टर है कि स्टिग्मा में उतने ही लोब होते हैं जितनी ओवरी में कार्पेल होते हैं। तो ओवरी इसकी पेंटा कार्पेलरी है, आगे हम आपको बताएंगे। और पेंटा कार्पेलरी का मतलब उसमें 5 कार्पेल हैं और सिंपली इसमें 5 स्टिग्मा में लोब भी हैं। ये स्टिग्मा जब रिसेप्टिव हो जाती है तो ये जो एंड्रोशियम है या एंड्रोशियम के अंदर एंथर है, इस एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं और ये पॉलन ग्रेन्स आकर के लैंड करते हैं इस स्टिग्मा के ऊपर और यहाँ से जर्मिनेशन होता है पॉलन ग्रेन्स का और पॉलन ट्यूब्स के थ्रू गैमीट चले आते हैं यहाँ पे ओवरी में और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं फर्टिलाइजेशन हो जाता है इनमें और फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओव्यूल्स हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये जो ओवरी है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। अब आइए इसकी फीमेल पार्ट का जो मेन स्ट्रक्चर है या मेन आर्गन है जिसको हम ओवरी कहते हैं, ये आप देख सकते हैं बल्बस शेप्ड है और इसके स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले सेक्शन काटना पड़ेगा। सेक्शन काटने के लिए आप कोई तेज़ रेज़र ब्लेड ले लीजिए और इससे आप इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट दीजिए। इसकी ओवरी का या आप कहें कि जो फ्रूट है इसका सेक्शन काटने के बाद आपको इस तरह से स्ट्रक्चर नज़र आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ओवरी की वॉल है, ये ओवरी की वाल यहाँ से शुरू हुई है, बिल्कुल सेंटर में चली गई है और फिर यहाँ से निकल करके आकर के यहाँ सेंटर में चली गई है। तो ये जो एक इतना वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं कार्पेल, एक ये सिंगल कार्पेल हुआ। और इसी तरह से आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 और ये 5, इसमें पूरे के पूरे 5 कार्पेल हैं। तो इस तरह की ओवरी को हम पेंटा कार्पेलरी कहते हैं। 5 के लिए हम पेंटा इस्तेमाल करते हैं और वी आर डिस्क्राइबिंग कार्पेल।
तो कार्पेल को डिस्क्राइब करने के लिए, जो कि 5 कार्पेल हैं, पेंटा कार्पेलरी टर्म इस्तेमाल करते हैं। और ये जो कार्पेल है, कार्पेल के बीच में यू विल सी कि इसमें गैप है, इस गैप को, इस चैम्बर को हम लॉक्यूल कहते हैं। और ये लॉक्यूल है वो बेस से लेकर के ऊपर तक बिल्कुल एक सिंगल चैम्बर के जैसा है। तो आप गिन सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5, इसमें 5 लॉक्यूल हैं। और लॉक्यूल में यहाँ पे छोटी छोटी सीड्स बन गई हैं, इनको आप देखें, जो सेंटर है, सेंटर से अटैच्ड यहाँ पे एक सीड है और ये 2 सीड है। तो जब भी हम ओवरी को डिस्क्राइब करते हैं तो ये सीड फर्टिलाइजेशन के पहले ओव्यूल कहलाती है। और ये जो ओव्यूल है, फिलहाल एक कार्पेल के अंदर सेक्शन में आपको 2 दिख रहे हैं, बट अगर आप यहाँ बेस से शुरुआत करिएगा और इसके ऊपर तक आइएगा तो इस तरह से ढेरों इसमें सीड्स लगी हुई हैं, ढेरों इसमें ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं। तो इसको हम कहेंगे पेंटा कार्पेलरी, पेंटा लॉक्यूलर, 5 लॉक्यूल है और मेनी ओव्यूल्स इन ईच लॉक्यूल, मतलब एक लॉक्यूल में ढेर सारे ओव्यूल्स लगे हुए हैं। हाँ, कहीं भी ओवरी की वाल से या कार्पेल से ये ओव्यूल अटैच होते हैं उसको प्लेसेंटा कहते हैं और इसको हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो प्लेसेंटेशन इसको देखें तो फिलहाल ये जो ओव्यूल्स हैं, ये सारे के सारे ओव्यूल्स या सीड अटैच हैं सेंटर में या इसकी कॉमन एक्सिस पे। तो इस तरह के प्लेसेंटेशन को हम एक्साइल प्लेसेंटेशन कहते हैं, चूँकि ये एक्सिस से अटैच्ड है। और फिर ओवरी की पोजीशन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अदर पार्ट्स के पर्सपेक्टिव में ये जो ओवरी है उसकी पोजीशन क्या है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो हमारा फ्लावर है, इस फ्लावर का हमें एलएस काटना है, बिल्कुल बीच में से चीर देना है तेज़ ब्लेड लेकर के। चूँकि बड़ा फ्लावर है इसीलिए हम चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी इस तरह से आप चीरिएगा तो ये एलएस ऑफ फ्लावर हुआ। और इस एलएस ऑफ फ्लावर में आप देखेंगे कि सबसे बॉटम में, सबसे नीचे यहाँ पे ये बाहर वाला एपिकैलिक्स है और इसके बाद यहाँ पे कैलिक्स है और यहाँ ऊपर कोरोला था जो कि निकल चुका है। और इसी कोरोला से लगा हुआ स्टेमिन या एंड्रोशियम का पार्ट ऊपर स्टेमिनल ट्यूब बनाया हुआ है, जिसको मैंने इसके पहले डिस्क्राइब किया है। तो आप देखेंगे कि जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी फ्लावर के पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे इस ओवरी से नीचे ही हैं। तो ये ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर हो गई पोजीशन में विद रिलेशन टू दी अदर पार्ट। तो ये जो ओवरी है ये सुपीरियर हो गई और जो फ्लावर है वो इस गायनोशियम के नीचे चला गया। तो फ्लावर कैसा होगा, फ्लावर होगा हाइपोगाइनस, हाइपो कहते हैं नीचे को, फ्लावर इज हाइपोगाइनस एंड ओवरी इज सुपीरियर ओवरी। अब ये जो एलएस कटा हुआ है, इस एलएस में आप जो लॉक्यूल है उसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम सीड को निकाल दें तो आप देखिएगा कि बिल्कुल ये लंबा सा लॉक्यूल ऊपर की तरफ चला जाता है। और यहाँ पे ये बीच में जो स्टिग्मा वाला पार्ट है, वो स्टिग्मा वाला पार्ट जो कि ऊपर चला जाता है स्टाइल के थ्रू, यहाँ पे ख़त्म हो गया है, ये टूट चुका है। और आप चिमटी के ऊपर देख सकते हैं किस तरह से इसमें सीड्स बाहर निकल आई हैं। और यही सीड्स जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होता है तो ये, मैंने बार बार आपको बताया कि ये ओव्यूल कहलाते हैं। आई होप कि इस गुड़हल के या हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस फ्लावर के सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन के साथ आपको फ्लावर्स के बेसिक पार्ट्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिखें, उसको हम अलग से वीडियो बना करके शेयर करने की आपको कोशिश करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।